प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की साइकिल यात्रा के दौरान सड़क जाम के कारण एम्बुलेंस फंसने से हुई नवजात शिशु की मौत के मामले में जांच टीम शुक्रवार को रोहतक पहुंची। जांच टीम ने डॉक्टर्स, पुलिस व परिजनों की मौजूदगी में नवजात का शव बाहर निकाला, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह साफ हो पाएगी। गौरतलब है कि मंगलवार को सोनीपत जिला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर की साइकिल यात्रा निकल गई, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लग गया। सड़क पर जाम होने के कारण एम्बुलेंस को वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिला। बता दें, साइकिल यात्रा के दौरान जाम में फंसी इस एम्बुलेंस में एक नवजात शिशु को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन सड़क जाम के कारण नवजात शिशु की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई। सोनीपत स्वास्थ्य विभाग इस मामले में निदेशक को रिपोर्ट भेज चुका है, जिसमें एम्बुलेंस के 20 मिनट हॉस्पिटल में देरी से पहुंचने को मौत की वजह माना गया है। हालांकि अशोक तंवर स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि एम्बुलेंस में स्वास्थ्य सेवाएं कम होने की वजह से नवजात की मौत हुई है। इस मामले में प्रदेश सरकार ने विशेष जांच के आदेश भी दिए हैं। सर, मुझे ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जो इंक्वेस्ट आया था डीसी के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, बच्चा था जिसका हमने एग्जुमेट किया है, मतलब उसको जमीन से गड़ा हुआ निकाला है और यहाँ पे शमशान से, और उसे हमने आईओ के हवाले कर ये सोनीपत किस मामले में मर्डर होने बच्चे का। हाँ जी, रेलिंग में फंस गए थे, फोन एंटा उसमें लग गया था, जिसके वजह से बच्चा यहाँ पैदा हो गया। निशाद चाहती और कुछ नहीं चाहती, और कांग्रेस पार्टी का रेलिंग था उनकी वजह से। बता दें, नवजात की मौत के बाद उसके शव को रोहतक के शिला बाईपास की शमशान घाट में दफना दिया गया था। शुक्रवार सुबह जांच टीम शमशान घाट पहुंची। डॉक्टरों की देखरेख में नवजात के शव को बाहर निकाला गया। नवजात के परिजन अब एम्बुलेंस फंसने के कारण को ही मौत की वजह मान रहे हैं। किस तारीख को एक बच्चे का यहाँ क्रीमेशन किया गया था, उस सिलसिले में ये हमें डीसी साहब के आदेश के अनुसार इनको सहयोग करना था, तो सोनीपत से पुलिस और FSL के अधिकारी, डॉक्टर्स वगैरह आए थे, तो जो भी सहयोग हमारे से अपेक्षित था हमने उतना सारा किया और वो बच्चे के शव को यहाँ से निकाल कर ले। इंडिया एक्सप्रेस के लिए रोहतक से सनी की रिपोर्ट।